हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी फर्स्ट बुक स्टार्ट है एलजेब्रा एंड टिक्नोमेट्री, जिसमें हमारी टिक्नोमेट्री स्टार्ट है। इसका हमारा फोर्थ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट है। कौन सा? जैसे कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वाला चैप्टर स्टार्ट है। तो मैंने इसका आपको बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूले वगैरह बताए थे, जिनका एक्सरसाइज वगैरह में यूज़ है। ठीक है, तो वीडियो आप बताना कैसी लगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है हमारी, आ रही है एक्सरसाइज फर्स्ट और एग्जाम्पल्स की। ठीक है, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, और एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो एग्जाम्पल हो, तो बताया जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों के मतलब कमेंट आए कि वीडियो नहीं आ रही है तो चैनल को अनसब्सक्राइब। तो भाई देखिए, ऐसा है, जिसको वीडियो से कोई प्रॉब्लम है तो चैनल को अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अनसब्सक्राइब बिल्कुल बेझिझक कर दीजिए। ओके, और जिसको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को बिल्कुल भी। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर ठीक है, इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, और आता है तो एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, हम एग्जाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना लेके सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। हमारी कृष्णा प्रकाशन की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है। लिख दे रहा हूँ मैं पूरा उसका स्टेटमेंट, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार, काफी बार ये पूछा गया है, लगभग 4 से 5 बार ये एग्जामिनेशन में आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई एज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, एज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, लगता है मुझे इस बार ये आएगा, और मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या किस तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्रेस टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई एज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमें सम बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन में इन्हें अटेम्प्ट करना है। तो जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम आपको उस तरीके से ही एग्जाम में भी करना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, थोड़ा लेंथी है बट है इजी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को हम करते हैं ए प्लस आयोटा बी, कर सकते हैं उसमें, क्योंकि एक्स और ए प्लस आयोटा बी, आयोटा है इसे ए मान लेंगे एक्स को बी, इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद एक्स प्लस आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस आयोटा बी। यहां तक सबको क्लियर है, हमने टेन इनवर्स वाले टर्म को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया। ओके, फिर नाउ हम टेन टू ए का फॉर्मूला जानते हैं, और किस तरीके से लिखेंगे टेन टू ए को, देखिए, टेन ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। भाई स्टार्टिंग में बताया था काफी वीडियोस में आपको कि इस तरीके से टेन वाले क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम भाई इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो आयोटा बी प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे तो टेन टू ए बच जाएगा, इसे हम इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाइए, टेन ए प्लस टेन बी
ये वाला हमारे बी पार्ट होगा, ये ए ये बी इस तरीके से, ठीक है, माइनस आयोटा बी। भाई एग्जांपल काफी बार ऐसा लगता है कि बुक में दे रखे क्यों करवा रहे हो, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और वन माइनस टेन ए प्लस आयोटा बी इंटू टेन ए माइनस आयोटा बी, ओके। भाई टेन ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया है यहाँ, ठीक है, सभी को समझ में आ गई है बात। अब देखिए, हम जानते हैं टेन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेटिव है, देखिए ये ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस आयोटा बी आ रहा है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ ए माइनस आयोटा बी है, तो यहाँ एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। भाई ये तो सभी को क्लियर है, कंजुगेटिव है, तो लिख सकते हैं, तो टेन ए प्लस बी, ए प्लस आयोटा बी को हम ये लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, और प्लस ए माइनस आयोटा बी है, तो यहाँ एक्स माइनस आयोटा वाई लिख सकते हैं, प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वन माइनस, अब एक बार देखिए, एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, इस तरीके से हमने लिख दिया ये, ठीक है, आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल, तो हमारा टू एक्स बचा, और नीचे क्या बचा हमारा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टीज है, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर वाई बनेगा। तो देखिए इसे आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, भाई ब्रैकेट में तो बनेगा ये माइनस वन, तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमारा माइनस आ जाएगा। भाई क्या आएगा हमारा डायरेक्टली, अगर आप मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो हमारा डायरेक्टली ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई हमारा, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है सभी को, फिर ये हमारा टेन टू ए की वैल्यू आ गई, तो टू ए इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, भाई टेन को इधर ले आएंगे, तो टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे ले आएंगे टू को, तो ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कौन सा, ये हमारा आ गया रियल पार्ट, ठीक है। भाई ये हमने क्या निकाला, ये हमारा रियल पार्ट, सभी को क्लियर है, दोबारा बाद में मैं रिपीट कर दूंगा, ओके। अगेन अब क्या लेंगे हम, इमेजिनरी वाला पार्ट, जब इमेजिनरी वाला पार्ट लेंगे तो आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि टेन टू आयोटा बीटा, टेन टू आयोटा बी ये ले लीजिए आप, ठीक है, इससे आपको इजी हो जाएगा, तो ये मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है, टेन टू आयोटा बी, तो इसे हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, टेन इसे भी आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, जैसे ए प्लस आयोटा बी लिखा है तो इसे भी आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, बस इसमें क्या होता होगा, इसमें देखिए माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं, इसमें आ जाएगा हमारा माइनस ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी, इस तरीके से, ठीक है, तो हमारा इसे ए कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस का टू आयोटा बी, चाहे आप सोल्व करके देख सकते हैं, ओके, क्लियर है सभी को, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां देखिए टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे हम, तो टेन ए प्लस आयोटा बी माइनस टेन ए माइनस आयोटा बी अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस आयोटा बी इंटू टेन ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, तो हमारे पास टेन ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और माइनस वाले की एक्स माइनस आयोटा वाई, रख दीजिए आप डायरेक्ट, थोड़ा देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई और माइनस एक्स माइनस ए माइनस आयोटा बी की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो माइनस के एक्स और माइनस के आयोटा वाई डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, प्लस हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो वन माइनस ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये भी यहाँ आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डायरेक्टली हमारा ये हो जाएगा, ओके,
एक्स से एक्स कैंसिल होगा, टू आयोटा वाई, तो हमारा आ जाएगा टेन टू आयोटा बी बराबर टू आयोटा वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इनवर्स उठा के ले जाएंगे इधर, टू आयोटा बी बराबर तो टेन इनवर्स आयोटा टू वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसे इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, या उससे पहले देखिए हम एक काम और कर सकते हैं इसमें, जिससे हमारा और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्या? हाँ, उससे हमारा क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, इसे पहले आप यहाँ पर इसे इस फॉर्म में ना लिखकर, जैसे हमने ये लिखा है, इसे टेन में रहने दो, फिर आयोटा बी को हम हाइपरबोलिक फंक्शंस में चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको बताया था। अभी मैं बताता हूँ आपको, भैया टेन थीटा, टेन आयोटा थीटा, इसे लिखते थे हम आयोटा टेन हाइपरबोलिक थीटा, ये लिखते थे ना भाई, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया था आपको। ठीक है, स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि इस तरीके से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हमारा आयोटा हाइपरबोलिक टू बीटा आ जाएगा, आयोटा टेन हाइपरबोलिक टू बी, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर टू आयोटा वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गई ये वाली बात भाई सभी को? ठीक है भैया, मैंने क्या किया, इसी वाले फॉर्मूले से मैंने डायरेक्टली इसे लिख दिया। ठीक है, तो बस अब इसे उठा के इधर ले जाइए, और डायरेक्ट b की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं तो भाई सबसे पहले तो tan हाइपरबोलिक इधर जाएगा, तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2y, 2 आयोटा y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये i भी हम i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस के आयोटा, इधर हो जाएगा हमारा माइनस के आयोटा। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या भैया, हमने टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन किया था, तो यहाँ तो प्लस आएगा, और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, फिर आयोटा नहीं, यहाँ देखिए टू आ जाएगा, तो टू बीटा, टू आयोटा बीटा बचेगा, तो टू वन अपॉन टू ये बचेगा आपका, है ना भाई, आयोटास से तो हमारा आयोटास वाला कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ भी हमारा आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है, तो ये वाला आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बस हमें इसे काट के नहीं दिखाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आयोटास तो हमारा कैंसिल हो गया है। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास ए ये रहा, बी ये रहा, तो डायरेक्टली अब ये सम की फॉर्म में कह रहा है, तो भाई डायरेक्टली इसे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आप लिख दीजिए, ए आपके पास ये रहा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस वो सम की फॉर्म में कह रहे तो प्लस आयोटाज, और ये बीटा वाला फॉर्म 1 अपॉन 2 tan हाइपर इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो सॉरी प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस का था। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको सम की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। ओके भाई, सभी को समझ में आ गया है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये ऐसे सम की फॉर्म में हम लिख देंगे। ओके भाई, हम इसे इस तरीके से सम की फॉर्म में लिख देंगे। सभी को क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देख लें, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ओके ठीक है, तो भैया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार, मुझे उम्मीद है ऐसी। ठीक है, तो भाई एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक्सरसाइज में भी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, एक ही एक्सरसाइज है और एक में ही 19 क्वेश्चन है, उसमें आपको एक दो क्वेश्चन इसमें और एक दो क्वेश्चन की एक और वीडियो बना दूंगा यार, क्योंकि इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके फॉर्मूले वगैरह और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बताए जा रहे हैं। ओके
ठीक है। तो देखिए मैं आपको अपना बताता हूँ, एक्सरसाइज वन में आइए आप, क्वेश्चन नंबर फाइव। हाँ फाइव है इसका, इम्पोर्टेंट है, और जो स्टार्टिंग के हैं वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्ट से अलग है। तो फाइव वाला देखिए एग्जाम क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन फाइव इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है इफ कोस इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस आयोटा फाई, देन प्रूव दैट। एक्सरसाइज फर्स्ट की जो मैंने आपको लगभग चैप्टर जो सेकंड कराया था फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे जो ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देन प्रूव दैट, इसी में भी उसी तरीके से, बस थोड़ा अलग है। देन प्रूव दैट, इसमें दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं, क्या है अल्फा स्क्वायर सेक हाइपर स्क्वायर फाई प्लस बीटा स्क्वायर कोसेक हाइपर स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू वन। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा अल्फा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब देखिए इसमें दो पार्ट ही हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, जो जो मैं करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ओके। अब देखिए सबसे पहले अपने पुराने तरीके पर आएंगे, सॉल्यूशन जैसा मैंने लास्ट फर्स्ट वीडियो थर्ड वीडियो में बताया था, जो हमारी फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक्सरसाइज फर्स्ट की वीडियो थी, उसी तरीके से कोस इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस आयोटा फाइ, ठीक है। तो कोस इनवर्स को उधर, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसकी वैल्यू कोस थीटा प्लस आयोटा फाइ, ओके। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके। कोस को आयोटा, देखिए कोस थीटा है, इसे हम आयोटा को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे, तो कोस हाइपरबोलिक फाई माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई, और यहाँ पर हमारा आयोटा आ जाएगा क्योंकि साइन आयोटा थीटा आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये होता है हमारा। तो अल्फा प्लस आयोटा बी की वैल्यू हमारी आ गई, तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक फाई, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, ओके। भाई हमें दोनों मिल गए हैं अल्फा की और बीटा की वैल्यू, फिर वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, हम जानते हैं। अब यहाँ साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारी बीटा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा की वैल्यू आएगी बीटा स्क्वायर, वो सॉरी साइन थीटा की निकाल रहे हो तो बीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक फाई इसका होल स्क्वायर है प्लस यहाँ से आएगी आपकी अल्फा अल्फा अपॉन कोस हाइपरबोलिक फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को एक बात, ठीक है। अब बस डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो, ये जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर अपॉन साइन हाइपर स्क्वायर फाई प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन कोस हाइपर स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू वन। अब डायरेक्टली इसका आप एलसीएम ले लो, यहाँ करके बता रहा हूँ मैं आपको, इसका एलसीएम आएगा आपका, ये एलसीएम नहीं पहले डायरेक्टली लिख लो, कोस हाइपर स्क्वायर फाई
और प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर फाई, और अपॉन में हमारा साइन स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर फाई कोस हाइपर स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं यार यार हमने गलत कर दिया। हाँ गलत कर दिया, इसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली हमें तो ये पार्ट प्रूफ करना है, देखिए ये वाला भी प्रूफ करना है। तो देखिए भाई इसे लिख सकते हो आप, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बीटा स्क्वायर वन अपॉन साइन हाइपर स्क्वायर फाई बीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर वो कोसेक हाइपर स्क्वायर फाई प्लस अल्फा स्क्वायर वन अपॉन कोस हाइपर स्क्वायर फाई को सेक हाइपर स्क्वायर फाई सेक हाइपर स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू वन, जो कि हमें प्रूफ करना था। देखिए ये रहा फर्स्ट पार्ट हमारा, यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये मैंने क्या किया, बीटा स्क्वायर था हमारा बीटा स्क्वायर अपॉन साइन हाइपर स्क्वायर फाई, तो वन अपॉन साइन हाइपर स्क्वायर फाई हुआ हमारा बीटा स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर हाइपर फाई। इसी तरीके से मैंने कोस वाले को कन्वर्ट कर दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट किससे हो जाएगा, कोस हाइपर स्क्वायर सेकंड पार्ट। अगर आपको ये वाला सेकंड पार्ट प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोस हाइपर स्क्वायर फाई सॉरी थीटाज में है तो थीटाज ले लीजिए, थीटा माइनस साइन हाइपर स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन होता है। साइन हाइपर है यहाँ पर, साइन हाइपर स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन होता है। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले से भी हमारा ये वाला प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई आएगा, फाई क्यों आएगा, क्योंकि हमें ये देखिए फाइव में, क्योंकि हाइपर स्क्वायर फाइव और कोस हाइपर स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर फाइव कोस हाइपर स्क्वायर फाइव की वैल्यू चाहिए और जेके हमें प्रूफ करना है। तो सेकंड में देखिए बस डायरेक्टली आप यहाँ से साइन हाइपर फाइव की वैल्यू निकालोगे तो बीटा कौन साइन थीटा, फिर यहाँ कोस हाइपर फाइव की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा कौन कोस थीटा, वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देना, पुट करने के बाद डायरेक्टली आपको ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। ओके भाई, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, फिर देखिए इसमें दे रखा है आपको सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में ओरली आपको बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, आप पढ़ने की कोशिश करना, नहीं आता है तो आपको सेकंड वीडियो बना दी जाएगी। ओके, कुछ क्वेश्चन है जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन वो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। ओके, यह देखिए क्या क्या है इसमें, यहाँ भाई सबसे पहले दे रखा है आपको सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स यू प्लस आयोटा वी, देन शो दैट ब्रैकेट में भाई दे रखा हमें एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एल एच एस साइड है ये हमारा, और बराबर आर एच एस साइड में प्रूफ करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपोन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम सबसे पहले जो हमें गिवेन है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स यू प्लस आयोटा वी, ये हमें गिवन है। तो इनवर्स हटाएंगे सबसे पहले क्या, टेन को हम एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ लिख लेंगे और साइन इनवर्स को हम इधर लेकर यू प्लस आयोटा वी के साथ हम लिख लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, टेन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू साइन यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद इसमें हम आपका इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद देखिए फिर हमें जो हमें शो करना है उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को हम टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप इसमें टेन इनवर्स यू प्लस आयोटा वी को टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई और अपॉन में अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स आयोटा वाई यूजिंग वन अकॉर्डिंग टू कंडीशन भाई हम यूजिंग वन के इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर लेंगे। फिर यू इज इक्वल्स टू डायरेक्टली हमारा देखिए आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। देख लीजिए अगर आपका सॉल्व नहीं होता है, प्रूव नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, तो भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अभी
दो तीन क्वेश्चन और हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो इम्पोर्टेंट है, ओके, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और देखिए बार बार आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि जिनको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो बिल्कुल ना देखें, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका पर्पस सिर्फ लोगों को शिक्षा बांटनी है, ठीक है, इस चैनल का पर्पस, ओके। तो भाई जिन लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दें, जिनको पसंद आ रही है तो वो सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी या तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक की आगे जाएगी गार्गरी सीरीज वाले की, या कैलकुलस में जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम वेक्टर और ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।